जितने भी जन प्रतिनिधि आएंगे हम लोग चप्पल और जूता लेकर उन लोगों का स्वागत करने के लिए रेडी हैं। एमपी से लेके एमएलए ले और मेयर, जितना मेयर से लेकर वार्ड पार्षद तक सब लोग को हम लोग स्वागत करेंगे चप्पल और जूता। बच्चे मजबूर हैं, बाध्य हैं इस गंदी नाली के पानी से गुजरने। कभी कभी गिर जाते हैं तो नहीं जाते हैं स्कूल। अच्छा। घर भी पिटाई खाते हैं। जाने में दिक्कत नहीं होता है? होता है, ट्यूशन जाने में गिर जाते हैं। हम बहुत पहले भी कई बातें बता चुके हैं, मेयर उस लायक थी ही नहीं, केवल सोशल मीडिया का कमाल था कि उन्हें लोगों ने मेयर मान लिया और वोट दे दिया। मेयर में कोई काबिलियत नहीं है कि ये किसी भी समस्या का समाधान त्वरित कर दे, या फिर उनका कोई विजन भी नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया में पैसा और प्रचार का माध्यम बना करके वो लोगों पे जादू चला करके और जो यंग ब्लड है उनको देवर बना करके मेयर बन गए। अभी जीता है राखी गुप्ता। हाँ राखी गुप्ता। हाँ। तो बोले हैं जी आप अस्थिर रहिए, हम बहुत सुंदर बना देगा। अभी तो हमारा परसों चौथा जो सब इस जगह गुड़ चुक गया आपका। हाँ हमारा गोड़ टूटा हुआ, फिर भी टूट गया हमारा। तो हम कैसे ऐसे जाना है, इस पर चढ़ना है, कितना ऊंचा है हम लोग का, हम लोग का समस्या कोई देखता है? महोदय दिख क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे छपरा में आए भी अभी कि सर्वेक्षण में स्वच्छता के आधार पर सबसे पीछे। हाँ। इसके बाद भी इन लोगों को सर्व नहीं आ रही है, बहुत दुखद बात है। इसलिए अब कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए एक बार जरूर इस्तेमाल करें चमेली और नींबू की खुशबू युक्त डिटर्जेंट पाउडर पंछी। आप छपरा और अन्य शहरों में पंछी डिटर्जेंट पाउडर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7260072764। दुष्यंत कुमार का शेर है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। बिल्कुल ऐसी ही कुछ स्थिति है वार्ड नंबर 41 और 42 में, जो बड़ा तेलपा में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की स्थिति। जब मेयर का चुनाव था तो जो अभी मेयर है नवनिर्वाचित मेयर राखी गुप्ता जी, उन्होंने वादा किया था कि ये इस स्थिति से सबको निजात दिलाएंगी, लेकिन आप स्थिति ये देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा मेरे लेफ्ट साइड भी दिखाएं ये स्थिति। ये बिल्कुल नरकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ के लोग। आप देख सकते हैं इस सड़क को देखकर ये कहा नहीं जा सकता कि ये बस्ती इंसानों के रहने वाली है, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा दिखाइए हमारे आसपास में, ये सारे लोग आपको इंसान ही दिखेंगे जो इस नरकीय जीवन में रहते हैं और ये नरकीय जीवन जी रहे हैं। आप देखिए इन गड्ढों को, और आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस रास्ते से कोई फोर व्हीलर टू व्हीलर आ जा सकता है और वो भी अपने परिवार के साथ। आप देखेंगे जब इन बड़े बड़े गड्ढों को तो आप सिर्फ ये पाएंगे कि इसमें कहीं सड़क खोया हुआ है, कहीं इतिहास में इस रास्ते पे सड़क हुआ करता होगा, ऐसी बातें कहना बेमानी नहीं होंगी। आप देखिए यहाँ जो नाला बना हुआ है, नया, जैसे लोगों ने बताया कि ये नाला नया बना है, आप देखेंगे तो इसका भी जो निर्माण हुआ है वो कुछ इस प्रकार हुआ है कि ये सड़क का पानी इस नाले में जा नहीं पाए। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? अंजू शर्मा। अच्छा आप यहीं के रहने वाली हैं? यस। ये स्थिति कब से बना हुआ है? ये 8 महीना से स्थिति है स्त्री। ऐसा क्यों है? पता नहीं, निगम क्यों यहाँ पर दुरुपयोग कर रहे हैं, क्यों भेदभाव कर रहे हैं, पार्षद भी यहाँ देखने नहीं आते हैं। मतलब इसका कुछ तो आपने शिकायत दिया होगा, कुछ वजह बताया होगा उन लोगों ने, कुछ तो वजह होगा ना इसका कि अब इसके मतलब लिए... यहाँ के लोग भी इंसान हैं। अब इसके लिए तो ये लोग जाने कि आखिर पार्षद क्यों यहाँ भेदभाव करते हैं। हमारे रीजन में था तो हम तो जहाँ तहाँ भी लेटर। कौन है पार्षद यहाँ के? पता नहीं नाम क्या है, दिनेश शर्मा ही है कोई। अच्छा। वो भी अपना यहाँ आकर के देखते हैं, उनको भी तो इधर से रास्ता है आने जाने का, पर वो भी नहीं आते हैं। अच्छा मेयर राखी गुप्ता कभी आई है कि नहीं? नहीं कभी नहीं। कभी आप लोग उनके पास गए हैं शिकायत लेकर? नहीं हम इधर से लोग गया है, पर आ गया जी पहले ही लोग गया है, लड़कन लोग भी गया है मिलने, पर हम हमारी मुलाकात हुई है एक इन्विटेशन शादी में ही हमारी मुलाकात हुई, जिसकी वजह से हम अपने इस वार्ड के बारे में पूरा उन्हें रूबरू कराई। वो बोली मैडम मैं 1-2 दिन में हम आपके अपना वार्ड में घूमने आएंगे, देखेंगे क्या स्थिति है, पर आज तक ना फोन। ये कितने दिन पहले की बात है? आज से 15 दिन पहले की बात है, 15 से 20 दिन। अच्छा 15 से 20 दिन। हाँ, पहले की। हाँ, ये बात है, वो बोली थी 1-2 दिन में घूमने मिलने आएंगे, पर आप फोन नहीं आई आज तक। तो देख सकते हैं जो नेताओं के वादे होते हैं, यहाँ के लोगों को भी वादे तो मिले हैं लेकिन कोई देखने नहीं आया है, कोई ये समझने नहीं आया है कि आखिर ये लोग किस दर्द और किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आइए जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के। नाम क्या है आपका? राम कुमार।
अच्छा, आप लोग को दिक्कत नहीं होती गाड़ी वाड़ी ले जाने? बहुत दिक्कत है, गाड़ी ले जाने से बच्चे साथ में गिर जाते हैं, पढ़ने बच्चे स्कूल जाता है सब गिर जाता है, ड्रेस खराब हो जाता है, छुट्टी मारना पड़ता है स्कूल से, घर पे डांट खाता है सब, कॉपी किताब गीला हो जाता है, बहुत सारा परेशानी है यहाँ पे। तो आप लोग कभी इसका विरोध नहीं किए? हम लोग विरोध क्या करें, जब मेयर आता है वादा करता है पूरा ही नहीं करता है, खाली सपना दिखा के चला जाता है, हम लोग सपना का जीवन जी रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे मजबूर हैं, बाध्य हैं इस गंदी नाली के पानी से गुजरने के लिए। और ये आइए इनसे बात करते हैं, इन बच्चों से, और जानते हैं कि आखिर ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका घर किधर है, कहाँ से आ रहे हो बुआ? वहाँ पर मेरा घर है, उधर ही से हम आ रहे हैं। अच्छा, आपका घर है इधर। हाँ। ये डेली इसी पानी से आते जाते हो? हाँ, इसी पानी से आते जाते हैं। करते क्या हुआ? हम स्कूल जाते हैं। स्कूल? तो स्कूल तो जूता पहन के जाना पड़ता होगा। हाँ, मोजा उजा सब भीग जाता है। अच्छा, तो स्कूल में दिक्कत नहीं होता है भींगे मोजे जाने आने में? कभी कभी गिर जाते हैं तो नहीं जाते हैं स्कूल। अच्छा। घर भी पिटाई खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में हेल करते हैं, गिर जाते हैं और पूरा कपड़ा भीग जाता है। कभी एक दिन उसी मोड़ी में गोर धस गया था, उसी पूरा गहरा उसी मोड़ी में एक दिन गोर धस गया था मेरा। अच्छा। स्कूल जा रहे थे तो और पूरा पानी हेल के आते हैं, बहुत दिक्कत होता है। तो घर वाले आपको क्यों मारते हैं? कि पानी इतना हेल के दूसरे गिर क्यों गए थे? हाँ, आज मत जाता कल जाता। अच्छा, ये कब से है ऐसे? कितने महीने हो गए? 8 से 10 महीने। किस क्लास में पढ़ते हो आप? यही 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, नाम क्या हुआ आप? आदर्श कुमार। आपका नाम क्या है बाबू? आयुष। कहाँ पढ़ते हो आप? डिवाइन। आपका घर भी इधर ही है? हाँ। अच्छा, कहाँ इस पानी से डेली आते जाते हो, स्कूल जाने में दिक्कत नहीं होता है? होता है, ट्यूशन जाने में गिर जाते हैं। कैसे? उस पर आते हैं ना। हाँ। तो पिछुल जाता है वो। अच्छा, तो उस वक्त तो पूरा ड्रेस खराब हो जाता होगा आपका। हाँ। तो कैसे करते हो फिर सब मैनेज? फिर जाते हैं घर पर। घर चले जाते हो, स्कूल नहीं जा पाते होगे उस दिन? अच्छा, मम्मी पापा क्या बोलते हैं गिर जाते हो तो? जैसे ये आदर्श बता रहे हैं कि इनको पिटाई लग जाती है, आपको भी लगती है? यस सर। कौन मार? पापा डांटते हैं? आपका नाम क्या है बाबू? अभिषेक कुमार। कहाँ रहते हो? बड़ा तरफ छपरा। घर इधर ही है? नहीं, उधर है। अच्छा, यहाँ इन लोग के साथ खेलने आए थे? यस। तो दिक्कत नहीं होता है अपने दोस्त के यहाँ आने में? आपके तरफ भी पानी लगा हुआ है कि उधर ठीक है? नहीं, उधर भी पानी लगा, आने जाने में दिक्कत होता है। अच्छा, तो इस पानी से आते जाते हो दोस्त के यहाँ, मम्मी पापा डांटते नहीं है कि क्यों जाते हो ऐसे गंदगी में? डांटते हैं कि हम आते हैं खेलने, मन नहीं लगता है तो। अच्छा, पापा डांटते हैं लेकिन आ जाते हो खेलने? यस सर। नाम क्या बताया आपने? अभिषेक कुमार। कहाँ पढ़ते हो? ABS रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अभिषेक का कहना है कि इनके पापा मम्मी इनको डांटते हैं कि क्यों आते हो इधर, लेकिन इनका मन नहीं लगता है, उम्र भी है, बच्चों को साथ रहना चाहिए, खेलना चाहिए, तो ये बच्चा खेलने के लिए आ जाता है। अभिषेक आदर्श का कहना है कि आदर्श जब कभी गिर जाते हैं नाले में, हालांकि गलती इनकी नहीं है, गलती प्रशासन की है, गलती जनप्रतिनिधियों की है, लेकिन जब कभी ये गिर जाते हैं तो इनके घर पर डांट भी लगती है। वैसी ही स्थिति हर बच्चे की है जो इस पीड़ा से गुजर रहा है, जो इस नरकीय जीवन को जी रहा है, जो इस नरक से गुजरकर अपने भविष्य की तलाश में स्कूल जाता है। आइए कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं। नाले पे खड़े हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है हिलने में। अच्छा, ये आपका घर इधर है? हाँ, बगल में, सामने ही है। अच्छा, सामने। तो वहाँ, यहाँ की तो स्थिति भयावह है ही, वहाँ तो और नरकीय जीवन जी रहे हैं आप? हाँ, तब घोर धोकर जाएगा पड़ता रोज घर में। तो मतलब आप पैर धो के जा सकते हैं, लेकिन रहते तो आप कचरा में है, कभी शिकायत नहीं की इसकी आपने? एक राय से शिकायत करे, सबको अपना अपना फिर में भाई गाड़ी। मेयर से मिले कि नहीं कभी आप? ना, मेयर से नहीं मिले। तो देख सकते हैं लोग अब इतने निराश हो चुके हैं कि जो मेयर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे मिलने तक अब लोग जाने से कतराने लगे हैं, भले ही वो ये नरकीय जीवन जी लें। आप यहीं के रहने वाले हो? जी। क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं अभी। कहाँ? कॉलेज में। अच्छा, आप इधर इसी रास्ते से आते जाते जी, हैं? जी, हमारा घर वहीं पे है। अच्छा, आप भी उसी। तो जब आप कॉलेज के लिए निकलते होंगे तो फिर जैसे कॉलेज में ड्रेस होता है, जूता पहन के जाते होंगे, तो कैसे निकल पाते हैं यहाँ? कैसे निकल पाते हैं, वही हेल के जाना पड़ता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोनू शर्मा। तो आप लोग कभी इस पे विरोध नहीं करते, आप तो युवा हैं? अरे करते हैं तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, कहेंगे और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ खड़े कर सकते हैं? अब हमारे घर के वार्ड बोलेंगे और मेयर ना बोलेंगे, हम क्या कर सकते हैं?
बिल्कुल कहना चाहेंगे। 2019 में इस रोड का उद्घाटन होता है। कौन किया था? माननीय हमारे विधायक जी थे, सीएन गुप्ता जी थे। 2019 में इसका रोड का उद्घाटन होता है, उसके बाद तक आज 2023 हो गया और अभी तक देख लीजिए उससे ज़्यादा भयावह स्थिति अभी है। इस रोड में दो दो स्कूलें हैं, प्राथमिक चिकित्सालय हैं, लोग जाने को अगर प्राथमिक चिकित्सालय में जा रहा है लोग दिखाने के लिए तो उल्टे और घबराहट होकर बीमार होकर और वापस लौटता है, ये स्थिति है। अच्छा मेयर जो किसी के पास कंप्लेन कीजिए तो कोई सुनवाई नहीं है। किसके पास किया आपने? हमने तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक कंप्लेन किया हुआ है। अच्छा जिस समय वो तर्क स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी के पास गया है कि नहीं? ना स्थानीय तो नहीं गए हैं, म्यूनसिपैलिटी में हमने आवेदन दिया था। म्यूनसिपैलिटी में कभी मेयर राखी गुप्ता से मिलने की कोशिश की है आपने? बात नहीं, हूँ तो अब आकाश में उड़ रही हूँ, उनसे क्या कहना है। आप देख लीजिए ये भाई बाइक लेके जा रहे हैं और किस स्थिति में ले जा रहे हैं, आकाश में क्यों उड़ रही है ऐसा आपको क्यों? उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और एक दिन आप टॉप पर रखिए, अगले 5 साल हम आपको टॉप पर रखेंगे। देखिए कितना टॉप पर रख रही है, ये जीता जगता सबूत है हम लोग का पूरा गांव। एक दिन भी जीतने सब देखने आगे भी चलते हैं और आगे की सड़क को भी देखते हैं, जैसा लोग बोल रहे हैं कि आगे चल के देखिए, तो आइए आगे चल के देख लेते हैं कि आगे की हालत में। यहाँ पर जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैंने कि समझिए कि हम लोग का नरकीय स्थिति है, कोई भी काम का नहीं है, चाहे जो भी हो जनप्रतिनिधि हम लोग का MP से लेके वार्ड पार्षद तक कोई भी सब बेकार है, मेयर है। अच्छा वार्ड पार्षद के पास आपने कभी इसकी शिकायत की कि नहीं? कितने बार क्या बोले वार्ड पार्षद? वार्ड पार्षद की होगा उस बाइक को देखिए कैसे फंसी हुई है बाइक। वार्ड पार्षद बोले कि अभी हो जाएगा काम होगा, ये सब नहीं होता है। अच्छा मेयर राखी गुप्ता से कभी मिले कि नहीं? राखी गुप्ता से मिले हुए हैं कि हमारे क्या बोले जो का दिखाई दिखाइए वो कैसे बाइक फंसी हुई, आइए तेरा बाइक के पास चलते हैं और देखते हैं वो स्थिति। केवल जुमलेबाजी करते हैं लोग, इलेक्शन के पहले गली गली घूमेंगे लोग कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, बड़े बड़े दावे हैं उनके, लेकिन कोई काम जीत जाने के बाद अपना घर ही देखते हैं। तो देख सकते हैं आप बड़ा तेलपा का वार्ड 41 और 42 है ये, और यहाँ की सड़क की स्थिति जो है उससे लोग काफी निराश हैं। इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि सुनते नहीं, चाहे वो वार्ड हो, चाहे सांसद हो, चाहे मेयर हो या विधायक हो। आइए जो चाचा हैं उनसे बात करते हैं। चाचा आप यहीं रहते हैं जी? नाम क्या है आपका? बिंदेश्वरी राय। अच्छा चाचा ये सड़क ऐसा कब से बा? बारिश हो जाए तो हो जाता, तभी तो बारिश शुरू हो नहीं भली स्थिति बा, जब बारिश तो बंद हो जाए रास्ता बंद हो जाए। अच्छा रउआ लोग के जिसे स्वास्थ्य लाभ ला कहल जला कि सुबह उठ के घूमे के चाहिए, तनी व्यायाम करे के, तो ऐसा सड़क पर तो संभव नहीं खे लागत? अब ये संभव है न भाई, अब तो ये संभव है बा, करही के बारे में आदमी के यही सड़क पर घूमे? हाँ यही सड़क पर हुई, कहाँ जाये आदमी, घर छोड़ के कहाँ जाये, बहुत परेशानी भाई। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप चाचा का कहना है कि ये संभव ही है, हालांकि ये व्यंग है और उन जनप्रतिनिधियों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए जिन्हें लगता है कि उन्होंने फेसबुक पे फोटो और वीडियो डाल के पूरे शहर को ठीक कर दिया है। आप देखिए ये सड़क की स्थिति और हमारे सामने आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर है इसका चक्का कितना अंदर तक फंसा हुआ है, क्योंकि जो ट्रैक्टर है इसका चक्का सबसे बड़ा होता है। अगर ट्रैक्टर की ये स्थिति है तो बाकी की जो गाड़ियां हैं उसकी स्थिति क्या होगी और क्या होती होगी आप समझ सकते हैं। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि और आगे चल के देखिए, आइए उनके साथ चलते हैं और आगे पूरे सड़क को देखते हैं। ये बड़ा तेलपा का वार्ड 41 और 42 है, यहाँ की स्थिति देख के कोई भी जो सभ्य व्यक्ति हो, जब भारत में स्वच्छ भारत की बात की जाती हो तो ऐसी स्थिति देख के कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति शर्मिंदा हो सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्थानीय लोग बताते हैं कि आगे में शिक्षा केंद्र है और स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाने पे ऐसी सड़क से होकर जब लोग वहाँ जाते हैं अपने इलाज के लिए तो और घायल होके और चोटिल होके आते हैं। आइए जरा इस गली को भी देखिए, और ये बता रहे हैं ये छपरा नगर निगम नहीं, ये नरक निगम बन गया है। ये कौन सी जगह है? ये वार्ड में है, ये बड़ा तेलपा वार्ड नंबर 42 और 41 है। अच्छा ये 42 वाली सड़क है और आप देख सकते हैं जो भाई साहब है, आपका नाम क्या है? बुद्धन कुमार यादव। बुद्धन कुमार यादव जी ये कह रहे हैं कि ये नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है।
नरक निगम है। और आप देख सकते हैं जो महिलाएं खड़ी हैं, आप सोचिए जरा कि जब घर की सभ्य महिलाएं, भद्र महिलाएं निकलती होंगी इन रास्तों से तो उनकी स्थिति क्या होती होगी। या तो आप एक कैदखाने में घर में बंद रहिए, या फिर आप ऐसी सड़क से नरकीय हालत में बाहर आइए। तो आप देख सकते हैं छपरा के विधायक हैं सीएन गुप्ता जी, एक बार भी नजर नहीं आए, और इलेक्शन में पहले घूमने के लिए आ जाते हैं गली गली वोट के लिए, लेकिन जो है कचरा के स्थिति में हम सब जितने भी पब्लिक हैं। अच्छा, तो आप लोग कितने बार गए हैं सीएन गुप्ता या राखी गुप्ता के? कितने बार गए हैं? बहुत बार गए। क्या बोले होगा 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 काम। कितने दिन पहले अंतिम बार गए थे? हो गया 3 महीना करीब। 3 महीना पहले गए थे, यानी बहुत अधिक दिन होता नहीं है, और बरसात शुरू होने से पहले की ये स्थिति है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब बारिश शुरू होगी तो यहाँ के लोगों की हालत क्या होगी, और यहाँ के लोग कैसे इससे बाहर आएंगे, कैसे इस पीड़ा से गुजरेंगे। अच्छा, मेयर राखी गुप्ता से आप अंतिम बार कब मिले? जी हो गया, इससे ज्यादा आगे भी है। अच्छा, आइए आइए सब लोग। तो आप देख सकते हैं जो सड़क, जो नाला इस्तेमाल होना चाहिए था उसको आप देख सकते हैं लोग साइकिल ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सड़क तो बची ही नहीं है। अब ठेला ले जाना तक भी कितना मुश्किल हो रहा है, आप इनको देख के ये समझ सकते हैं। आप इस ठेले ले जाने वाले भाई की स्थिति देख लीजिए, मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन जरा आप इनकी हालत देख लीजिए, इस स्थिति को देख लीजिए। दो दो लोग लग रहे हैं इसे धक्का देने में, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि बहुत अल्टर में ये एरिया हो, शहर के बीचों बीच अवस्थित है ये जगह, लेकिन फिर भी अगर क्षेत्र की स्थिति ऐसी है तो आप समझ सकते हैं कि शहर से दूर की जो दूर के जो इलाके होंगे वहाँ की स्थिति कैसी होगी। आइए, लोग हमें उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां की स्थिति इससे भी ज्यादा बदतर है। आइए वहां भी देखते हैं, देख सकते हैं ये वो जगह है जहां लोग हमें लेकर आना चाहते थे, और निश्चित ही यह स्थिति बहुत भयावह है, बहुत खराब है। आप देख सकते हैं ये मुख्य सड़क है इस गांव में आने वाली, इस इलाके में आने वाली, और यहाँ की स्थिति ऐसी है। घर आप ही का भैया? जी बगल में है ये वाला। हाँ, ये वाला। अच्छा, ये घर आपका है? आपके घर के ठीक सामने ऐसी स्थिति है, कैसे निकलते हैं आप लोग? निकलना छोड़िए ना, हम लोग तो जैसे तैसे निकलते हैं, राहगीर जो आता है जाता है रास्ते में, यहाँ कभी गिर गया, कभी वहाँ गिर गया, उधर भी है। और ये जो रोड है ये 2 साल पहले इसका टेंडर हुआ था, और आप आगे जाइएगा तो उसका सिलापट भी लगा हुआ है, और वहाँ देखिएगा उसका डेट तारीख सब लगा हुआ है। यहाँ का स्थानीय विधायक जी, स्थानीय जो उस समय मेयर थी प्रिया देवी, वो थी, सब लोग ठीक करके गया। और उस समय से 2 साल हो गया, ना नाला पूरा बना और ना पूरा रोड बना, जैसे तैसे मैंने खानापूर्ति करके उस रोड को बना दिया गया आधा, और वो भी रोड खानापूर्ति मतलब आधा, मतलब इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर ये काम ठीक से काम ठीक से नहीं हुआ, आगे आप जाइएगा तो देखिएगा अभी सब गिट्टी रोड का उधर उखड़ गया, नाला जो है कहीं कहीं धस गया, फंस गया, अभी रोड ही बन ही रहा है। अच्छा, 2 साल से सड़क बन रहा है, और इसमें जो आधा बना वो खराब हो गया, वो भी खत्म हो गया, टूट गया। उसके बाद देखिए सामने, देखिए बाइक वाला किस तरह आ रहा है, इधर से अगर जब आएंगे तो उसमें गिर जाएंगे, उसका उनका कपड़ा खराब हो जाएगा, या चोट लगेगा, या सर फटेगा, या हाथ टूटेगा, इसका कोई मने थी नहीं है। और यहाँ का जो ठेकेदार था वो काम छोड़ करके भाग गया, ना कोई यहाँ का। कौन थे ठेकेदार? वो ठेकेदार है कोई कमलेश रहे, उनका भाई के नाम से है ये, और ना यहाँ का कोई प्रतिनिधि, जो 2 वार्ड के बीच में रोड पड़ता है 41 और 42, ना इधर के वार्ड का प्रतिनिधि जो है उनको टेंशन। कौन है 41 के? कौन है 41 के? हाँ ये वाला है। वार्ड कौन? बिना चौधरी। 42 के? और 42 के है दिनेश शर्मा। ये दो रोड जो है 2 वार्डों के बीच में है, दोनों के क्षेत्र में बीच में है, दोनों को बॉर्डर है ये। हाँ। लेकिन दोनों आदमी कोई टेंशन नहीं है कि हमारा जनता हम मैंने कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, और ना ही यहाँ का। अच्छा, एक बात बताइए, को टेंशन है? वोट के समय लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और वादे करके मेयर साहब आई थी कि नहीं वोट मांगने? मेयर साहब इस रोड में कम से कम 10 बार आई थी। आप वोट दिए थे कि नहीं? दिए हैं, तब ना मान लीजिए वो जीत करके गई है, रिकॉर्ड वोटों से उनको पूरा बिहार में यहाँ के जनता जिताया है।
और रोड का मान लीजिए टेंडर हो गया है, उन लोगों को देख रेख में कम से कम रोड को बनवा देना चाहिए। सरकार पैसा भी अलॉट कर दिया है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। समझिए कम से कम 10,000 से ज़्यादा आबादी मन इस रोड में है, और समझिए कम से कम 20 से 25,000 आबादी के इस रोड से आना जाना होता है प्रतिदिन प्रतिदिन। बगल में आपको वहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र है। आगे जाइएगा तो स्कूल भी है, आगे जाइएगा तो मस्जिद भी है, पूरा आना मतलब आना जाना, स्वास्थ्य केंद्र भी है, शिक्षा केंद्र भी है, धार्मिक स्थल भी, सब चीज है, मंदिर भी है। बोले हैं उसको तो देख लीजिए, किसको किसको मेयर आया है तो कौन मेयर? अरे मेयर जो नेथी है अभी अभी जीता है राखी गुप्ता। हाँ राखी गुप्ता। हाँ। तो बोले हैं जी आप अस्थिर रहिए, हम बहुत सुंदर बना देगा। अभी तो हमारा परसों चौथा जो सब गोड़ में चुक गया आपका। हाँ हमारा गोड़ टूटा हुआ फिर भी टूट गया हमारा, तो हम कैसे ऐसे जाना है इस पर चढ़ना है, कितना ऊँचा है हम लोग का, हम लोग का समस्या कोई देखता है? वोट का दिन आता है हम लोग। राहुल नाम कहा है चाची? गांधी देवी हमारा नाम। अच्छा वही जी रहे हैं? हमें हमारा ही मकान है। अच्छा दिखाई दे रहा है सामने वाला घर? हाँ यही सामने वाला घर, सामने वाला घर है इन चाची का। और इनका कहना है बतियाया है हमसे जी, मेयर बतियाया है हमसे आया है, तो ऐसे मुंह निकाल कर अच्छी से गाड़ी से बतियाया है हमसे, बतियाया हम बोलता है हमको घर पर मिलिए, आइएगा कहियो घर कैसे जाएगा, गोर निमन रहेगा तब तो जाएगा, रास्ता निमन रहेगा तब तो घर। अच्छा कितने दिन पहले की ये बात है जब मेयर आपसे मिले? ये जो वोट का समय में वो वोट का समय मिले। अच्छा वोट के समय आए थे, उसके बाद नहीं? नहीं वो उसका बाद हम लोग नहीं मिला, देखने भी लोग नहीं आए, उसका तो देखने नहीं आया जो कहाँ कैसा है नहीं है। आप रोड देख लीजिए कैसा है हम लोग का दरबार, कितना हम निकल का तकलीफ है, कैसे हम लोग जीता है खाता भी आए थे। जिस समय लोकसभा का चुनाव था सांसद महोदय भी आए थे, राजीव प्रताप रूडी उस समय भी सांसद थे, अभी भी हैं वो, उनको भी हम लोग मैंने रिक्वेस्ट किए दिखाएं सब, बोले कि अब की हमको चुन के भेजिए, इस रोड को हम एकदम खूब सुंदर खूब स्वच्छ रोड बना देंगे। लेकिन जीतने के बाद ना वो आए, विधायक जी भी आए, उस समय भी वो विधायक थे, फिर उनको वोट दे के जिताया गया, वो भी आए अपना वादा किए। विधायक जी कभी आए हैं कि नहीं? बस इलेक्शन के टाइम आता है लोग, इलेक्शन के बाद फिर उसके बाद कोई तकने नहीं आता है। अच्छा चाची जन मेयर यहाँ के चुन के गए उनका से रहुआ फिर दोबारा मिले ना? नहीं हमारा मिले हमारा बाबू घर से नहीं चलोता है, कैसे मिले हम लोग का गोर में तकलीफ। अच्छा रुआ सब आदमी गई बनी दोबारा अभी प्रसाद शुरू होने से पहले हम लोग का दोबारा वहाँ नहीं गया है, वहाँ हम लोग नहीं। इस रोड का ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, आधा इसका निर्माण हो गया है, ये तो जितना यह जनप्रति वो सब लोग को मालूम है। जब टेंडर होता है तो ऊपर सांसद लेके, ये छोटा मोटा रोड नहीं है, 2-3 करोड़ के लगभग में इसका टेंडर हुआ है, ये थोड़ा है कि 10-20 करोड़ के टेंडर पे जो सड़क बन रही थी उसकी स्थिति ये है कि आधा बना और आधे में खराब हो गया। वो भी आधा बना कि आधा मने कि बनते बनते आधा टूट गया। आप यहाँ से 100 मीटर आगे जाइएगा तो उधर बना हुआ है, लेकिन वो बना और बेबना एक ही है, गिट्टी उखड़ गया नाला मैंने 10 जगह से नाला ज्यादा टूट गया है, गिट्टी एकदम उठ गया, ये तो रोड में तो गलती आप लोग का भी तो है ना। हम लोग क्या करें, हम लोग कहते हैं तो सलाह देखिए क्या किया, ये यहाँ जाइएगा आगे तो नाला बीच में छोड़ दिया ना ना। जब ये आप देखिए ये नाला बन रहा होगा जब आपके घर के ठीक सामने है, हम लोग रोक दिखाइए इसको इंजीनियर, आप देखिए ये नाला इतना सड़क से ऊपर है, इसमें पानी कैसे जाएगा आपने पूछा? वो हाँ हम बोले थे तो वो बोला कि इसको भर करके इसलिए बोला कि पानी लगता है, इसको भर के इसको इतना लेवल में ढालना है। अच्छा मतलब भविष्य के परियोजना के आधार पर इस नाले को इतना ऊपर रखा गया है, इसको भर के इसको ठीक किया जाएगा। और बीच बीच में नाला कहीं कहीं टूट गया है, बच्चा जा रहा है गिर जा रहा है, बाइक से लोग जा रहा है गिर जा रहा है, पढ़ने वाला बच्चा जा रहा है वो गिर जा रहा है, नाला भी आगे देखिएगा तो बीच बीच में छोड़ छोड़ के बना दिया है। स्कूटी भी इंजीनियर भी आया था, जेई भी आया था, हम यही उसको हम रोके थे, उसको यहाँ भी हम रोके थे, मेरे यहाँ जब काम हो रहा था यहाँ गड्ढा करके। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, उसको हम यहाँ रोके थे, फिर जेई आया अथी किया, बोला कि अथी मत लीजिए बढ़िया से बनेगा, हम इसको ऊंच क्यों बना रहा है इसको पूरा इतना, तो बोला कि इसको भर करके हम लोग इसको बराबर में बनाएंगे। आइए अभी हमारे साथ यहाँ पे समाज सेवी अमरेंद्र कुमार सिंह भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आप यहाँ कैसे? हम लोग इधर से निकल रहे थे उपाध्याय जी, हम लोग निकल रहे थे देखे आपका यहाँ वीडियो बना रहे थे, थोड़ा देर रुक गए। अच्छा ये देख के आपको क्या लग रहा है? अभी तो हम लोग गलती से इस रोड में आ गए थे, पता ही नहीं था कि ये रोड नहीं है नाला है, और नाला हम लोग रोड समझ के इस रोड से निकल रहे थे, लेकिन जब यहाँ से गुजर रहे थे तो देखे तो नाला है।
और नाला के में हम लोग गुजरना मुश्किल हो गया है। मेरी बाइक पीछे लगी हुई है जी। पता नहीं आगे कैसे पार करेंगे हम लोग। अच्छा, बहुत ही समस्या है। अच्छा, ये सब देख के आपको नहीं लगता है कि जो मेयर है राखी गुप्ता, उनको थोड़ा और काम करना चाहिए था? मेयर के बारे में हम बहुत पहले भी कई बातें बता चुके हैं। मेयर उस लायक थी ही नहीं, केवल सोशल मीडिया का कमाल था कि उन्हें लोगों ने मेयर मान लिया और वोट दे दिया। मेयर में कोई काबिलियत नहीं है कि ये किसी भी समस्या का समाधान त्वरित कर दे, या फिर उनका कोई विजन भी नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया में पैसा और प्रचार का माध्यम बना करके वो लोगों पे जादू चला करके और जो यंग ब्लड है उनको देवर बना करके मेयर बन गई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और ना उनमें कोई विजन है कि वो कैसे पानी निकलेगा, कैसे सफाई होगा, सब जगह फेल है, तो मेयर का कोई विजन है ही अच्छा नहीं। आपको क्या लगता है जो शहर की स्थिति है अभी, पूरे शहर की स्थिति है, मुझे लगता है कि कमोबेश सिर्फ यहाँ हम अभी पहुंचे हुए हैं इसलिए ऐसी स्थिति दिख रही है, लेकिन स्थिति मुख्य अगर कुछ सड़कें छोड़ दें तो बाकी हर जगह की स्थिति यही है, वैसे में शहर में क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि शहर में जितने भी रोड हैं उसका भ्रमण करें मेयर, नगर आयुक्त, और अगर अपने से नहीं होता है तो DM साहब को लेके घूमे। अच्छा, कभी मेयर साहिब आई हैं इधर? अभी तो लोग बता रहा था कोई नहीं आया, केवल वोट लेने के बार यहाँ आई थी, बता रहा है लोग कि वोट लेने के दिन ये लोग आया था, लोग वोट के दिन लोक लुभावन वादे किए थे, लेकिन उसके बाद इनका कोई आगमन नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ के लोगों को चाहिए, अब यहाँ के लोगों को चाहिए कि उनको जबरदस्ती बुला करके, उनको जबरदस्ती बुला करके इस रोड में घुमाया जाए, ताकि मेयर को भी पता चले कि जो जनता हमने वोट दिया है, जो जनता हमें एक दिन इतना अच्छा पोस्ट दिया, अब वो जनता कितना नरकीय स्थिति में है, कहाँ कैसे गुजर बसर कर रहा है। अभी हम लोग देखा बूढ़ी दादी थी, वो नाली टप रही थी पानी में, कितना बीमारी घर में हो रहा होगा, कितने लोग हॉस्पिटल जाके पैसे खर्च कर रहे हैं हॉस्पिटल जा करके बीमारी पे, लेकिन मेयर को कोई चिंता नहीं है। हालांकि ये तो यहाँ की समस्या है, उनके वार्ड में भी उनसे काम नहीं हो रहा है, उनका अपना वार्ड है वहाँ भी पानी लगता है, हर एक वार्ड में कहीं कोई मतलब नहीं है, बस दो तीन जगह है जहाँ साफ सुथरा पहले से था उसी जगह को दिखा करके अपना काम कर रही हैं, लेकिन वैसे भी अब शायद जाने वाली हैं, देखिए दो चार दिन में मेयर चली जाएंगी, तो हम लोग नगर प्रशासन में दबाव बनाएंगे कि वो घूमे और जितना काम है उतना जल्दी कराएं। तो आप ये वादा करते हैं इन लोगों से कि आप करवाएंगे दबाव? एकदम हम प्रयास करेंगे, और नगर निगम म्यूनसिपलिटी चौक पे ही हम लोग हैं, और ये भी पार्षद प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हमारे यहाँ और भी हैं, सब लोग मिल करके हम लोग प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, हम लोग मिले काम करेंगे। सड़क के बारे में तो देखते हैं लोगों की कितना नतीजा। अच्छा, सड़क पर कितना बेर आइले जाइले दिन भर में? हम मन की तो ये घर बाबा दिन भर आवल जाके पड़त है। हाँ तो क्या करम, गरीब आदमी ना कमाएम तो खाएम कहाँ से, क्या करे नहीं रहुआ, ये खेत में अपन सोहनी कोरनी माल जाल रखले बानी जी। हाँ तो ये सड़क पावे जाए में डर ना लगे और तो उम्र भी हो गई। आई हो रहा मत, अब डरे लागत तो बबुआ का करी, हमरा तो सब क्रिया करम सब करे के बाद हमरा तो परो पाई खाना नहीं छे, हमरा तो कुछो नहीं छे। नाम कहा चाची राउर? हमार लाखपति नाम है। नाम क्या है? मेरा नाम राजीव उपाध्याय हुआ, और संयोग बस हम लोग इधर से किसी काम से आए हुए थे, स्थिति देखे हम लोग तो अब तो बोलना क्या है, आप लोग को भी हम लोग ने देखा तो रुक गया, और यहाँ के लोगों की प्रक्रिया सुन रहे हैं, इतना गुस्सा आ रहा है किसको बोला जाए, इतना 75-77 वर्षों के चुनाव के बाद और 8 टर्म के नहीं, अभी तो बात भी चल रही है स्वच्छ भारत की बात चल रही है। ये नरकीय जीवन जीने को बाध्य किया जा रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों, इसमें केवल गुस्सा हम लोग को आ रहा है कि इतना नरकीय जीवन में लोग जी कैसे रहे, और फिर ये मेयर अपना वार्ड कमिश्नर नगर आयुक्त DM महोदय को दिख क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे छपरा में आए भी अभी कि सर्वेक्षण में स्वच्छता के आधार पर सबसे पीछे, इसके बाद भी इन लोगों को सर्व नहीं आ रही है, बहुत दुखद बात है। इसलिए अब इसमें बोलना कुछ नहीं है, हम लोगों ने अपना प्रतिक्रिया दिया, कितना दुखी है, कितना परेशान है वहाँ, अब किसी का पैर टूट गया था वो माता जी, इसमें पैर टूटा हुआ पैर फिर टूट गया इस सड़क के चलते, उसका जिम्मेवार कौन है, कौन देगा उनका पैसा उनका खर्चा? हमारे देश की ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में कि जो व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो उसका जिम्मेवार कोई नहीं होता है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को एक केला दान में दिया जाए उसके क्रेडिट लेने के लिए सारे ऊपर से नीचे तक के नेता पहुंचे रहते हैं। तो ये तो है, उनका पैर टूटा इसका जिम्मेवार कोई नहीं है, वो खुद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार है। अच्छे सड़कों को दिखाएंगे,
कहेंगे हाँ यहाँ पे एक काम हुआ अच्छा, जो है साफ सुथरा को दिखाएंगे साफ हुआ वहाँ पे, जहाँ पे कचरा है देखिए यहाँ पे आना मुश्किल है महाराज। पूरे 42 नंबर वार्ड में हम लोग कहीं और जा रहे थे, लेकिन हम लोग अब यहाँ एक घंटा से हम लोग समय दे रहे हैं गुस्सा में। और यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ एक पूर्व पार्षद से बात हुई मंजू शर्मा, उन्होंने बताया कि कई वर्षों से पार्षद रहे, उन एक वर्षों से लिखा जा रहा है यहाँ पे इसकी दुर्गति के बारे में, एक वर्षों से मेयर से लेके वार्ड कमीशन को दिया जा रहा है, यहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा। तब क्या बोला जाए, बोलने को बहुत कुछ है, बस यही बोलना है कि मेयर या अपना वार्ड कमिश्नर हर को जगना है, लोगों को तकलीफ का जिस तरह सपना दिखाते हैं दूर करेंगे, उसको सच में दूर करें, तब लोग बेवकूफ नहीं है, लोग सोए हुए नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब सब प्रशासन को, डीएम को, सबको, सब अधिकारी को पता है कि सड़क से नाली को ऊंचा नहीं करना है, पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि घर को ऊंचा नहीं किया जा सकता, सड़क को नीचे किया जा सकता है, मिट्टी निकाल के सड़क का निर्माण करना है, मिट्टी निकाल के नाली का निर्माण करना है। और बताइए एक फीट ऊंचा हो गया तो बगल वाले घर का किसी का यहाँ पे उठा नहीं, प्राचीन का घर है 50 साल पहले का, उस अनुसार यहाँ पे नींव पड़ा हुआ है, क्या फिर घर को हम ऊंचा उठाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले प्रशासन को भी नजर रखना होगा कि जो सड़क ऊंचा किया जा रहा है वो अपने बचत में, मिट्टी काटने का पैसा लोग उठा रहा है कि मिट्टी काटा गया वहां से, ऐसा दिखाया जाता है कि 6 इंच मिट्टी काट के तब उसमें सड़क, ऐसा कुछ नहीं होता है, मिट्टी काटने के पैसा लूटा जाता है। ये तो भाई बता रहे हैं कि इन्होंने पूछा इंजीनियर से, तो इंजीनियर बोले कि ये इसलिए ऊपर छोड़ रहे हैं कि सड़क ऊपर किया जाए। अरे सड़क ऊंचा कर देंगे फिर ये घर का नींव ऊंचा कैसे होगा? घर का नींव कैसे आप ऊंचा कीजिएगा बताइए? वो घर का नींव कैसे ऊंचा हो, झक झक पे उठा देंगे हम उसको। सब यहाँ फुटासोट का काम हो रहा है, जितना काम हुआ यहाँ पे अभी तक हुआ है 3 साल लगभग हो गया, और काम अब देखिएगा तो आपको खुद शर्म आएगा, देखने वाला आदमी को शर्म आएगा कि कितना थर्ड क्लास, नहीं समझिए कि थर्ड क्लास से भी ज्यादा माने थर्ड काम हो रहा है, काम हुआ है, लेकिन इसका जिम्मेवारी है मेयर का है, नगर पार्षद उसका है, बिल्कुल उन लोग का जिम्मेवारी है कि 5-6 साल हो गया माने रोड का स्थिति इतना खराब है, 5-6 साल से इतना खराब है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आप गिर जाए, मर जाए, धंस जाए, भंस जाए, गोड़ टूट जाए, पैर टूट जाए, बाहर का जो आदमी है तो वो गाली देके जाता है कैसा रोड ये है, हम लोग फंस गए। आपका नाम क्या है सर? अमित कुमार हुआ मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो नेहरू चौक के रहने वाले। अच्छा, ये स्थिति आप कैसे फंसे हुए हैं इसमें? बाकी लोग तो यहाँ के स्थानीय हैं, आप कैसे फंस गए? हम भी इसी रास्ते से जा रहे थे दोस्त के घर, तो बड़े भैया मनिंदर जी को देखे तो हम भी रुक गए। अच्छा, क्या कहिएगा ये सड़क देख के? वो तो सब तो जनता कह ही दिया, यहाँ का पब्लिक बोल ही दिया, अब उसमें हमको क्या बोलना है। नहीं, इसका जैसे आप लोग इधर के हैं, आप क्या करते हैं वैसे? ऐसे हमारा व्यवसाय है। अच्छा, तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों की आवाज में अपना साथ दें, क्योंकि आप लोग पड़ोसी हैं, नेहरू चौक यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आप लोगों की भी जिम्मेवारी है इनकी आवाज में आवाज मिलाएं और आवाज उठा के अपना पहुंचाएं जनप्रतिनिधियों तक, ठीक करवाएं। इसीलिए तो रोक गए देखकर, आवाज उठाने के लिए ही सब बड़े भैया हैं लोग, इसीलिए हम लोग रोक गए कि आवाज साथ में मिलकर उठाया जाए और मेयर के पास पहुंचाया जाए, या विधायक हो या डीएम हो जो भी हो उसके पास जाया जाए, और उसको ये चीज को जो भी समस्या है यहाँ का रोड का बहुत खतरनाक है। तो अमित जी पूर्व प्रत्याशी भी हैं और अपने वार्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई भी समस्या हो ये तुरंत वहाँ उठाते हैं, और बहुत सारी समस्याएं या अपने खर्च से ठीक कर देते हैं, तो ये तो इन यहाँ के लोग के लिए देखिए कुछ अगर हो सकता हो तो। एकदम होगा, इसीलिए तो हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे, देखे रोके, नदम साथ हैं लोग, होगा एकदम होगा। क्या बोल रहे हैं? वो थोड़ा सा बारिश भी हो जाता है ना सर, इधर लोग गिर जाता है। नहीं वो तो वहाँ पर जाएगा, देखिए अभी बरसात अगर हो जाएगा कल आइए, कल आकर देखिएगा, अगर आपका गाड़ी बाइक की कल जाएगा तो ढेर, ये इधर किसी के द्वार पर लगा कर चार चक्कर निकल ये नहीं रहे थे, बाइक कहाँ से निकलेगा, चार चक्कर लगा कर चार आदमी है तो पाकी में उतर जाता है कीचड़ में, उसको ठेलना पड़ता है, लोगों का माने समझिए कि माने इतना बुरा हाल हो गया है कि इसका जवाब नहीं होती है, तो हम लोग नगर निगम पर आंदोलन करेंगे बैठकर, जितने भी जनप्रतिनिधि आएंगे हम लोग चप्पल और जूता लेकर उन लोगों का स्वागत करने के लिए रेडी हैं, एमपी से लेके एमएलए ले और जितना मेयर से लेकर वार्ड पार्षद तक सब लोग को हम लोग स्वागत करेंगे चप्पल और जूता से, क्योंकि हमारी हालत जो है नरकीय नगर निगम बन चुका है, हम लोग टैक्स भर रहे हैं, हम लोग का कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखा आपने ये बड़ा तेलपा का वार्ड नंबर 41 और 42 है, और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, सभी लोगों ने अपनी जुबान से उस भयावह स्थिति को बयान किया है जिससे ये हर दिन गुजर रहे हैं। शायद आप वीडियो जब आप ये देखें तो आपको लगता हो कि ये बहुत छोटी समस्या है,
एक बार देख लेते हैं, लेकिन इस पीड़ा से, इस दर्द से यहाँ के स्थानीय लोग हर दिन गुजरते हैं। जैसा माताजी ने बताया कि उनके पैर में मोच था, वो पैर टूट गया था सिर्फ इस सड़क की वजह से, लेकिन इसको सुनने समझने और इनके दर्द को महसूस करने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज़। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें, बहुत बहुत धन्यवाद। कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए एक बार जरूर इस्तेमाल करें चमेली और नींबू की खुशबू युक्त डिटर्जेंट पाउडर पंछी। आप छपरा और अन्य शहरों में पंछी डिटर्जेंट पाउडर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7260072764।